किसी इस बार हरियाणा में क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा तो जी सब कुछ का मुद्दा जी की कराया तो कौन 10 साल में इसने बीजेपी ने क्या किया, भ्रष्टाचार कराया सारा है, हिंदू मुसलमान जात पात किसान चले बैठे रहे 11 महीने 13 महीने भी लगे, उनकी सुनी नहीं किया क्या। विधानसभा चुनाव है, कुछ ही महीने बाकी हैं, तो क्या रहेगा? आंधी है ताऊ देवीलाल वाली आंधी है यार, 87 आई थी रिकॉर्ड तोड़, लेकिन हमने सोचा 90 की 90 आई आंधी है। एक हुड्डा साहब के चरणों हरियाणा में इस बार विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे? जो इस पर चुनाव सारे मुद्दे हैं, किसान का इन्ना लठ मारे, कर्मचारियों का इन्ना मारे, सरपंचा का इन्ना मारे, को लठा को छोड़ा तो कोई नहीं, खिलाड़ियों का इन्ना मारे, यहाँ दिल्ली बैठी थी अपनी बेटी खिलाड़ी, वो कुकर पाया के साथ सलूक किया गया, उसको पता ने इज्जत थी हमारी, इज्जत थी ने, इज्जत को जो हमारे को छेड़ेगा उसको हाथ काट लियांगे हम हरियाणा वाले। यहाँ नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान और इस वक्त मैं मौजूद हूँ 5 पंचों के प्याले के साथ और यहाँ काफ़ी मौजूद लोग बैठे हैं जो हरियाणा से आए हैं। उन्हीं से जानेंगे कि इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव में किस तरह का माहौल रहेगा, क्या मुद्दे रहेंगे। क्या नाम है आपका? बलवान सिंह। कहाँ से आए हैं? गाँव दनाना। तो क्या रहेगा इस बार विधानसभा चुनाव? विधानसभा में एक तरफा जी कांग्रेस है, हाँ जी 70 से प्लस करेगी। आपकी विधानसभा में क्या किसका माहौल? अपने कांग्रेस का अभिमानी हल्के में। कौन चुनाव लड़ रहे हैं? चुनाव तो भाई कांग्रेस पार्टी किसको टिकट देगी वो लड़ेगा। तो आप कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन? हाँ, कांग्रेस पार्टी के लड़ने वाले तो बहुत हैं, पार्टी जिसको टिकट देगी उसको वोट देंगे। तो इस बार हरियाणा में क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा तो जी सब कुछ का मुद्दा जी की कराया तो कौन 10 साल में इसने बीजेपी ने क्या किया, भ्रष्टाचार कराया सारा है, हिंदू मुसलमान जात पात किसान चले बैठे रहे 11 महीने 13 महीने भी लगे, उनकी सुनी नहीं किया क्या। ये बजट में हरियाणा कुछ नहीं आया और सब का आया है, खिलाड़ी पदक सबसे ज़्यादा लाए थे हरियाणा के खिलाड़ी, उसमें सबसे कम दे रखी है पदक में। आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने वाली है सोनिया दुहंजे, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? बढ़िया है, वो उस नारनंद हल्के में है, बढ़िया है, कांग्रेस पार्टी में आओ सोनिया दैन के ऊपर सभी आए, सभी का स्वागत है कांग्रेस पार्टी में। हम भी जेजेपी से थे पहले, कांग्रेस में आए आपकी बात। दनाना क्या कहेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर? हमारी तरफ तो कांग्रेस है भाई, एक तरफा है कांग्रेस है एक तरफी भाई, समझ कि बीजेपी तो काय पा लिए लोग ना, तो किए कर दे किसाना मुद्दा किसान मार दिए नूनटा जवान मार दिया अग्निवीर करके, इस करके सब कुछ इस तरह बीजेपी के खिलाफ है। तो सीधा तौर पर लोगों का कहना है कि जो हरियाणा की जनता है बीजेपी की सरकार से एकदम खफा है और वो बदलाव के मूड में है। और भी कई लोग हैं, बातचीत करेंगे। जी क्या नाम है? अशोक। कहाँ से आए हैं? नानूदल से, मोड़े गाँव से। इस बार विधानसभा चुनाव है, कुछ ही महीने बाकी हैं, तो क्या रहेगा? आंधी है ताऊ देवीलाल वाली आंधी है यार, 87 आई थी रिकॉर्ड तोड़, लेकिन हमने सोचा 90 की 90 आई आंधी है। एक हुड्डा साहब के चरणों में आंधी है। तो हरियाणा में इस बार विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे? जो इस पर चुनाव सारे मुद्दे हैं, किसान का इन्ना लठ मारे, कर्मचारियों का इन्ना मारे, सरपंचा का इन्ना मारे, को लठा को छोड़ा तो कोई नहीं, खिलाड़ियों के इन्ना मारे, हूँ यहाँ दिल्ली बैठी थी अपनी बेटी खिलाड़ी, वो कुकर पाया के साथ सलूक किया गया, उसको पता ने इज्जत थी हमारी, इज्जत थी ने, इज्जत को जो हमारे को छेड़ेगा उसको हाथ काट लियांगे हम हरियाणा वाले। यहाँ आप दिल्ली आए हैं, दिल्ली किसके समर्थन में अभी दिल्ली आए? हम भाई जो टिकट देगा हुड्डा साहब उसके साथ में, हाँ हम किसी के साथ में नहीं। हाँ यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि हम कांग्रेस के साथ? जो टिकट देगा उसके साथ। हाँ, लोगों का सीधा तौर पर कहना है कि इस बार हरियाणा में बदलाव चाहिए और बदलाव एकदम विकास को लेकर, यहाँ किसी चेहरे को नहीं सिर्फ ऐसे बंदे को वोट देंगे जो विकास करेगा हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा में विकास की बहुत ज़रूरत है। बेरोजगारी है, रोजगार को लेकर भी कई तमाम लोग युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। कहाँ से आए? मैं नानू दलका जी। तो अजय कुमार नाम है मेरा, मैं जितगाँव है जी। तो क्या कहेंगे? मैं तो जी दीपेंद्र हुड्डा के साथ है, भूपेंद्र हुड्डा हमारा नेता है प्रिय, हम तो इसी के साथ चलेंगे।
सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि नानोद हल्के से 5 साल से जो मेहनत कर रहे हैं भाई जस्सी पेटवाड़, उसको टिकट दी जाए। और जैसे कि उड्डा साहब के आदेश होंगे, हम उसके साथ जाना ही है, क्योंकि उड्डा साहब से दूर नहीं होंगे कभी भी। सबसे बड़ी मुद्दा है हमारा बेरोजगारी, युवा साथी हैं, बेरोजगार नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं है। और सबसे मुद्दा मुद्दा है जी, सबसे बड़ा मुद्दा है जो किसानों का है, सबसे बड़ा मुद्दा किसानों का है, जो कि 13 महीने डड्डा सर्दी गर्मी लू सब बैठे रहे वहाँ, तो उनकी कोई सुनवाई नहीं की। भाजपा सरकार एक ऐसी सरकार है, इसका कोई तोल नहीं, इतनी बेकार है सरकार है, कोई वो नहीं इसका। नारनौद विधानसभा से अभी सोनिया दुहन भी दावेदारी पेश कर रही है, आज वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करना चाह रही है, क्या कहेंगे? वो तो अच्छा है जी, जो जितना परिवार जितना बढ़ेगा, सोनिया दुहन की ये है टिकट तो नहीं मिलेगी, शायद मिले या ना मिले, ये तो होगा कि जो समर्थक है उसके, वो तो ये सोचेंगे कि वो उड्डा के साथ हों, उड्डा का परिवार बढ़ रहा है। ये बहुत ही बड़ी एक अच्छी सोच है सोनिया दुहन की, जो उड्डा के साथ आई है, क्योंकि यहीं से कुछ रेल चलेगी, अभी उड्डा की रेल चल रही है और किसी की रेल नहीं है, ये पूरे हरियाणा में घूमेगी, अब नहीं थमेगी जी। क्या कहेंगे ताऊ जी? ये बिल्कुल ठीक है। तो इस वक्त हम मौजूद थे दिल्ली में, और दिल्ली में विधानसभा चुनाव को हरियाणा को लेकर गर्माहट शुरू हो गई है, लोग अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में दिल्ली पहुंच रहे हैं और कई विकास के मुद्दों को लेकर लोग बातचीत कर रहे हैं। कैमरामैन सिकंदर आलम के साथ मैं आसिफ खान, 24 TV नेटवर्क राजस्थान।